अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आपका अपने एक जोमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल बेसिक ईएफआई ऑटो इलेक्ट्रिशियन लेसन 17। ठीक है, आज का जो लेसन है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल के अंदर मैं कौन सी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो ये हैं कि मैंने हेडलाइट के ऊपर भी वीडियो बनाई है, पार्किंग के ऊपर भी वीडियो बना रही है, लेकिन मैं आज गाड़ी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हेडलाइट को किस तरह आपने कटआउट लगाने हैं, रिले लगाने हैं, ताकि आपको काम की आसानी हो। ठीक है, ये देखें, ये कटआउट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दो ऑन ऑफ की तारें होती हैं, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। जो ऑन ऑफ की तारें हैं उसके अंदर हमने क्या करना होता है, उसके अंदर ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। आपने बोर नहीं होना, आपने चीज़ को समझना है। मैं टेस्टर को मेन पर लगाऊंगा, टेस्टर को मेन पर लगा दिया और मैंने चेक किया कि अंदर, ठीक है, डंडी स्विच से लो पॉइंट आ रहा है अर्थ। टेस्टर मैंने जमा पर लगाया हुआ है, लेकिन टेस्टर जमा पर लगाया हुआ और जो अंदर से आ रहा है लो पॉइंट आ रहा है, वो अर्थ आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो ऑन ऑफ की तारें हैं, ये दो ऑन ऑफ की तारें हैं, उनमें से एक तार चाहे ये लगा लूँ चाहे ये लगा लूँ, ये कहते हैं ये लगा लेता हूँ, ये कहते हैं ये लगा लेता हूँ, ये तार मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर लगा दी। ठीक है, मैं हेडलाइट को रिले लगा रहा हूँ, कटआउट लगा रहा हूँ। आपने इन चीज़ों को समझ लेना है ताकि आपको खुद काम करने में आसानी हो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैंने क्या किया कि लो पॉइंट को एक ऑन ऑफ की तार पर लगा दिया। अब इस जगह पर क्या, क्योंकि इस जगह पर तो अर्थ आ रहा है अंदर से डंडी स्विच से, तो दूसरी ऑन ऑफ की तार को मैं क्या करूँगा, दूसरी ऑन ऑफ की तार को मैं मेन करंट दूँगा। ठीक है, मेन करंट कौन सी है, मेन करंट ये दोनों मेन करंट हैं। ठीक है, ये देखें, अब मेन करंट ये है। अब मैं इसको लेमिनेशन इसकी वायर की उतार लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस पर लगा दिया, ये रिले इसका ऑन हो गया। ठीक है, ये देखें, अब ऑन ऑफ करता हूँ, ये चीज़ें ऑन हो जाती हैं। ठीक है, अंदर से डंडी स्विच ऑन है, ये लिहाजा मैं इस ऊपर लगा लेता हूँ यार। अब बात क्या है, अब बात आ जाती है इसकी इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, इनपुट को मैं जो दूंगा आउटपुट वो निकल जाएगी। अब मैं क्या करूँ, इनपुट दूंगा, इनपुट के अंदर मैं मेन करंट दूंगा और मेन करंट बाहर निकल जाएगी। अगर मैं इसको अर्थ दूंगा, उसके अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, मेन करंट ये है। टेस्टर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ मेन चीज़ कौन सी है। ठीक है, मेन करंट कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टर को मैं लगाऊँगा अब अर्थ। जब मैंने टेस्टर को अर्थ लगाया, ये देखें, ये मेन करंट आ गई। ठीक है, पहले मेन करंट ये मैंने लगाई है, अब ये करंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा जी, ये जो इसको मैं मेन करंट दूँगा, इनपुट मेन करंट दूँगा। ठीक है, और आउटपुट मुझे, क्योंकि अंदर से लो पॉइंट आना है, तो आउटपुट मुझे ये आ जाएगी। अगर मैं इसको अंदर से बंद करूँगा तो ये लो पॉइंट, ये जो ना आउटपुट ख़त्म हो जाएगी। अब मैं उसको ऑन करूँगा तो ये ऑन है, तो अभी ये देखें आउटपुट आ रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, जो हेडलाइट का लो पॉइंट होता है, जिस तरह मैंने आपको सर्किट के अंदर मैंने बताया था कि हेडलाइट का जो लो पॉइंट होता है, लो पॉइंट ऊपर वाला होता है और हाई पॉइंट ये वाला होता है। ठीक है, लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है, और जो अर्थ है वो ये है। ठीक है, लो पॉइंट यहाँ पर मुझे लो पॉइंट की अर्थ करंट मिली है, वो मैं इसके लो पॉइंट पर लगा दूँगा। लो पॉइंट कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर ये लो पॉइंट है, लो पॉइंट को इसमें लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली इस पर करंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हाई का कटआउट मैं लगाऊंगा, हाई की वायर जो है, हाई की वायर ये है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी कटआउट लगाऊंगा और इसकी आउटपुट भी मैं इसके जो हाई पॉइंट है इस पर मैं अटैच कर दूंगा। तो आपकी लो और हाई पॉइंट का जो होगा सर्किट, वो आपका ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखानी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप तक आने वाली वीडियो मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।